बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर सांसद बने पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। फर्नीचर बिजनेसमैन ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं देने पर पूर्णिया छोड़ने और जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले को लेकर पप्पू यादव के अलावा उनके सहयोगी अमित यादव के खिलाफ मुफसील थाना में FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अधीन मामले की जांच कराने और दोषी को फांसी देने की मांग की है। मामले को लेकर पूर्णिया के SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने विस्तार से बताया है। कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके एक सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस FIR दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है? नहीं, जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि वो जो आरोप लगाए गए वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगाया? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था, फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था और उसके बाद काउंटिंग के काउंटिंग ख़त्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फ़ोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर रहे हैं। सुरक्षा की भी गुहार लगाई है? हाँ, सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो नियम संगत सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड किया है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो सहयोगी है वो BSNL में SDO है। हाँ, आरोप जो FIR के कंटेंट है उसके हिसाब से उसके द्वारा जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो अमित यादव नाम का जो व्यक्ति है वो BSNL में किसी पोस्ट पे कार्यरत है। अब तक का कुछ अनुसंधान में पता चला? हाँ नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं, टेक्निकल और मैनुअल दोनों के आधार पे हम लोग जांच कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगे इन गंभीर आरोपों को साजिश करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में मामले को लेकर लिखा, देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों के इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जो दोषी हो उसे फांसी दे दें। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के 2 बार के सांसद संतोष कुशवाहा को हराया था। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद बने पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को खत्म कर कांग्रेस में विलय कर दिया था, लेकिन जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो यादव ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और जीत कर दिखा दिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि चुनावी हलफनामे के मुताबिक पप्पू यादव के ऊपर करीब 41 मामले दर्ज हैं। टाइम्स नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।